नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम आलू की चाट बनाएंगे। कुरकुरे किए हुए आलू की खट्टे मीठे चाट आप सबको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना भी बड़ा आसान है। तो आइए देखें, आलू की चाट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये उबले हुए आलू हैं, दो आलू ले लिए हमने और 2-3 टेबल स्पून तेल ले लिया है। आलू की चाट के लिए हम आलू को सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम सैलो फ्राई करके चाट बना रहे हैं। मीठी चटनी, हरे धनिए की तीखी चटनी और ये बारीक सेब, दही, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, भुना हुआ जीरा, नमक, काला नमक और ये चाट मसाला, ये सब चीज़ें हमें चाट में डालने के लिए चाहिए होंगे। तो आलू के चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को छील करके काट लेंगे। तो ये तवा हम गरम करने के लिए रख देते हैं और आलू छील लेते हैं। ये आलू हमने छील लिए और इनके हम टुकड़े काट के तैयार करेंगे। तो बस इतने बड़े बड़े मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लेंगे। तवा गरम हो गया है, तवे पर तेल डाल लेंगे और अगर हम डीप फ्राई कर रहे होते तो कढ़ाई में पूरा तेल भर के और तब हम आलू को तलते। इसमें हम जस्ट थोड़ा सा तेल डालेंगे और आलू सिकने के लिए लगा देंगे। और आलू जब नीचे की साइड में ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें हम पलट देंगे। ये आलू एकदम ब्राउन हो गए, कुरकुरे हो गए और इन्हें हम निकाल लेंगे। अब गैस बंद कर देते हैं। ये आलू हमने तल के तैयार कर लिए हैं और अब आलू की चाट बनाते हैं। तो थोड़े से आलू हम डालेंगे प्याली में, थोड़ा सा नमक डाल के मिला देंगे, थोड़ा काला नमक मिलाएंगे और मिक्स कर देंगे। और अब हम मीठी चटनी, 2 चम्मच मीठी चटनी, एक चम्मच हरी चटनी, दो तीन चम्मच दही, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला, हरे धनिए, और ये फाइनली बारीक सेब। ये आलू की चाट तैयार है। खट्टी मीठी आलू की चाट तैयार है। आप आलू की चाट बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।